महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम सदन हॉल में किया गया, जिसमें महापौर सीताराम जायसवाल ने महानिदेशालय के निर्देश पर पार्षदों के साथ बैठक करते हुए टीवी मुक्त भारत पर चर्चा की। बैठक में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पात सलाहकार WHO डॉक्टर नीरज किशोर पांडे, नगर निगम प्रवर्तन दल के सदस्य सहित पार्षद मौजूद रहे। बैठक में टीवी रोग के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई तथा लोगों को टीवी रोग के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में टीवी रोग के विशेषज्ञ ने बताया कि 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, 2 सप्ताह से अधिक बुखार आना, 3 माह में 5% वजन का कम होना, किसी भी समय बलगम में खून आना, 1 माह से सीने में दर्द होना अथवा ऐसे व्यक्ति जो पहले से टीवी का उपचार ले चुके हों उन्हें जनपद के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला क्षय रोग केंद्र पर क्षय रोग के बलगम आदि की जांच माइक्रोस्पी 2.0 से की जाती है तथा BRD मेडिकल कॉलेज में CBNAAT, CDST, LPA की जांच निःशुल्क होती है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 से सभी इलाजरत टीवी मरीजों को प्रतिमाह ₹500 दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम इसको पूरी तरह से लोगों को इसलिए जागरूक करना है कि अगर उन्मूलन हो गया तो यह बीमारी भी लौट करके अपने लोगों को पेश करनी है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी मजबूत है तो फिर भी आज नगर निगम परिसर में टीवी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ है
जिसमें हमारे पार्षद, हमारे सभी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन अपने देश में हो। गोरखपुर लगभग टीबी मुक्त हो चुका है, फिर भी पार्षदों को, अधिकारियों को और हमारे स्वास्थ्य सफाई कर्मी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। उनको बताया गया है डॉक्टर के तरफ से कि टीबी के लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं और हमें टीबी का रोगी से किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे अपने परिवार के लोगों को बीमारियों से बचाना है, इस पर जागरूकता अभियान के तहत चर्चा की गई है और बहुत सारी बातें हुई हैं। टीबी के कई तरह के होते हैं, जिसमें फेफड़े में टीबी हो जाती है, बोन में टीबी हो जाती है, ये सब चीज़ों को विस्तृत जानकारी दी गई है और सभी पार्षदों को आगाह किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह आई है कि प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी ठीक है तो हम बहुत हद तक टीबी की बीमारी से बच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है, अस्वस्थ है, तो हमारे पार्षदगण उससे जागरूक करें और तमाम हमारे गोरखपुर में सेंटर हैं, ले जाकर के उनके बलगम की जांच कराएं। अगर टीबी है तो सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त में दवा दी जाएगी, उनकी जांच भी की जाएगी। इसी के तहत एक कार्यक्रम हुआ है, इससे समाज के लोग को काफ़ी फायदा होगा। मैं चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में किसी को इस तरह के संदेह के लक्षण पैदा होते हैं तो उसका इलाज सदर हॉस्पिटल में है और कराएं। साथ ही साथ एयरपोर्ट के सामने एक टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ भी इस इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इस सब चीज़ों की जानकारी नगर निगम में दी गई है। मैं सभी नागरिकों से कहूँगा कि इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें और अपने शहर को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करें।